हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गरमाई राजनीति। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज, संत साधु हुए नाराज। दिल्ली में G20 बैठक से पहले माहौल खराब करने की कोशिश, लाल किले के पास सख्त ने लगाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। नीतीश कुमार को लगेगा बड़ा झटका, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का संयोजक बनाने की तैयारी, मुंबई में होगा ऐलान। यूपी सरकार हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर में व्यस्त, नौकरी के लिए पहली बार उम्मीदवार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 200 रुपए सस्ता हुआ उज्ज्वल स्कीम वाला गैस सिलेंडर। माई को पीटते रहे, मदद के लिए चिल्लाती रहे बहन, प्रयागराज में 9वीं के छात्र को पीट पीट कर मार डाला। इंडिया और एनडीए के बीच 2024 की जंग हुई रोचक, 1 सितंबर को फिर दोनों गुटों में होगी बैठक। नीतीश पर प्रशांत किशोर का तंज, ना पार्टी बची ना इमेज, उन्हें कौन बनाएगा इंडिया का संयोजक। जातीय जनगणना पर केंद्र का नया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट से कहा विशेष अधिकार वाला पैर अनजाने में लिखा गया। नीतीश कुमार ने बताया कि और जरूरी है जातीय जनगणना, राज्य की भलाई के लिए है ये जरूरी। मुंबई में 5 दिनों तक हाई टाइड का अलर्ट, उठेगी 5.4 मीटर की ऊंची लहरें, समुद्र किनारे जाने वाले ध्यान दें। जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव, राज्य का दर्जा कब मिलेगा वापस, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा। हिंसा पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, हिंसा में कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस वर्करों ने की तोड़फोड़। यूपी में बकरियों को लेकर हुई लड़ाई, तो आरोपी ने पड़ोसी का काट दिया प्राइवेट पार्ट, युवक अस्पताल में भर्ती। 2024 के चुनाव के पहले भाजपा करा सकती है दंगा, राम मंदिर उद्घाटन के समय बम धमाके की साजिश, संजय राउत ने पीएम मोदी सहित भाजपा पर किया हमला। लखनऊ में अखिलेश यादव की आवास के पास प्रदर्शन, सपा नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के सर। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में बयानबाजी का दौर, ममता के बाद बोले नीतीश, केंद्र जल्द करा सकती है चुनाव, हमें रहना होगा एकजुट। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर का विपक्षी एकता की बैठक से पहले मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला। इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा पर लगाई रोक, जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश। महाराष्ट्र में 2000 रुपए वापस मांगने पर 4 लोगों ने पिछड़े समुदाय की महिला की कर दी पिटाई, आरोपी हुआ गिरफ्तार। आज सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई, सोना 59,670 रुपए तोला तो वहीं चांदी 77,100 रुपए किलो। बाराबंकी के स्कूल में पढ़ा रही थी महिला, जबरन क्लास में घुसकर पति ने दे दिया 3 तलाक। झारखंड में तेज रफ्तार कार से कुचल गए 3 लोगों की हुई मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। दो लड़के करंट के लिए, मुस्लिम लड़की फरहीना ने तोड़े धर्म की दीवार, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन पहुंच गई कोर्ट। मोदी कैबिनेट का वैज्ञानिकों को सलाम, अनुराग ठाकुर बोले ये वैश्विक मंच पर हमारी ताकत का प्रतीक।